हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। एक ऐसे फेस पैक के साथ जो कि आपके चेहरे की कैसे भी पुराने से पुराने दाग धब्बे हैं या फिर आपके चेहरे पर पुराने पिंपल्स, मुहासे की समस्या है, चेहरे पर काफी जो है लार्ज पोर्स हो गए हैं, आपके स्किन पर काफी झुर्रियां आ गई हैं, तो मैं कॉफी की मदद से आपको एक ऐसा फेस पैक बनाना सिखा रही हूँ जिसको आप हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ दो बार लगा लेती हैं और वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो ये आपकी त्वचा को भी इतनी कसावट लेके आएगा और इतना ग्लोइंग ब्राइट और बहुत ही फेयर बनाएगा कि आप जो है फेशियल करवाना भूल जाएंगी। यकीन मानिए दोस्तों, आप पार्लर जाकर जो फेशियल ब्लीच पर जो पैसा खर्च करती हैं उससे आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो दिन के लिए ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी स्किन डल होने लगती है, डार्क हो जाती है। ये आप सब लड़कियां काफी अच्छे से जानती हो, लेकिन ये जो नेचुरल मेरा फेस पैक है ये आपको परमानेंट और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करेगा। इसके ढेरों सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चाहिए ये दोस्तों कॉफी। हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल। अब आप इस कॉफी को इस तरह से फाड़ कर इस बाउल में हम कॉफी को ले लेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पैकेट ही ले रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम इस तरह से कॉफी ले लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर ये जो कॉफी ली है, कॉफी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करती है। जब स्किन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो उसकी वजह से हमारी त्वचा में जो सेल्स होती हैं उनकी रीग्रोथ होती है और सेल्स को काफी अच्छे से रिपेयर करता है और स्किन को बहुत ही हेल्थी एंड ब्राइट बनाने में ये तरीका आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा कॉफी में मौजूद तत्व चेहरे के लिए एक बहुत अच्छे स्क्रब की तरह काम करता है। इसके अलावा इसमें ये बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर की तरह भी काम करता है जो कि आपकी डेड स्किन को निकालने में काफी हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जब हमारी त्वचा पर डेड सेल्स जमा हो जाती हैं तो उसकी वजह से त्वचा बहुत ही मोटी और भद्दी दिखने लगती है, काफी दाग धब्बे भी नजर आते हैं, तो उस डेड सेल्स को निकालना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप इस कॉफी के स्क्रबर को हफ्ते में एक बार या फिर दो बार जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें ये कॉफी लेनी है। अब हमें इसमें अगली जो चीज मिलानी है वो है दही। तो मैं यहाँ पर लूंगी एक चम्मच दही और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से मिला लेंगे। इसका हमें स्मूथ सा ही पेस्ट तैयार करना है, ज्यादा थिक या फिर ज्यादा पतला पेस्ट हमें नहीं बनाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने दही लिया है। दही में एसिडिक गुण होते हैं जो कि आपकी त्वचा को ब्राइट बनाता है, डलनेस को दूर करता है, त्वचा में जो भी रिंकल्स की शिकायत है, आपकी त्वचा काफी ढीली हो गई है, काफी लार्ज पोर्स हो गए हैं, तो ये उनको टाइट करता है, त्वचा में कसावट लेके आता है और किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं पुराने से पुराने तो उन दाग धब्बों को दूर करने में भी ये आपकी काफी हेल्प करता है। तो आप इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। देखिए काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप जो भी फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हैं, साबुन जो भी आप इस्तेमाल कर रही हैं उसकी मदद से अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है, कोई भी आपने चीज इस्तेमाल की अपने फेस पर, वो अच्छे से निकल जाए, धूल मिट्टी वगैरह। अब फिर उसके बाद आप इसे ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से अपने पूरे फेस पर एक इसकी लेयर लगा लीजिए। तो दोस्तों, आप जब भी अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई कर रही हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि गर्दन को कभी भी मत भूलिए, गर्दन पर जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई पैक अप्लाई करते हैं तो गर्दन को भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि चेहरा तो हमारा चमकदार दिखता है लेकिन हमारी गर्दन काफी काली और बेकार दिखती है, तो गर्दन पर भी जरूर अप्लाई कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर और अपनी गर्दन पर लगाना है। आप इस पैक को अपने हाथ और पैर पर भी लगा सकते हैं। ये आपके फेस को जो डलनेस है, दाग धब्बे हैं, उनको दूर करके बहुत ही ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाएगा। तो दोस्तों, ये तो मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।